हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ सैमसंग फ़ोन कीबोर्ड फुल सेटिंग। दोस्तों आज की वीडियो में आप जानोगे दोस्तों सैमसंग के फ़ोन को तो कीबोर्ड सेटिंग दोस्तों हम कैसे ही यूज़ कर सकते हैं दोस्तों वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों आप इजीली ही अपने किसी भी सैमसंग के फ़ोन में कीबोर्ड सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको कोई वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी सैमसंग फ़ोन कीबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग को ऑन कर लेना है। ऑन करते दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है और उसके बाद दोस्तों आपको दिख जाएगा सैमसंग फ़ोन दोस्तों जनरल मैनेजमेंट सेटिंग आपको यहाँ मिल जाती है, देखने को दिख जाती है। आप इस पर क्लिक कर देना। फिर दोस्तों आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, यहाँ पर लैंग्वेज डिटेल टाइम सेटिंग दिखेगी, तो आपको सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। और दोस्तों अब आपको सबसे पहले मैं एक एक करके बताता हूँ। आपको पहले दोस्तों लैंग्वेज सेटिंग दिखेगी, आप कोई भी लैंग्वेज को इनपुट कर सकते हो अपने कीबोर्ड में यहाँ से इनेबल करके ऑन करके, और दोस्तों वो लैंग्वेज ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ऑटो रिप्लेस वाले पे आना है दोस्तों, जो कि ऑटो रिप्लेस से हम कुछ भी लिखते हैं वो ऑटोमेटिक जो ऊपर दोस्तों हाईलाइट्स दिखाता है आप यहाँ से ऑन कर लोगे तो वो हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ जैसे तो टैग शॉर्टकट्स दिखाएगा आपको यहाँ पर, तो आप इसको छोड़ देना। और दोस्तों आपको यहाँ दिख जाएगा कीबोर्ड टूल बार है, आप इसको ऑन कर सकते हो ऑफ कर सकते हो। और दोस्तों हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड है, आप इसको ऑन करना चाहो तो ये हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड इस तरीके से शो हो जाएगा। आप इसको दोस्तों चेंज भी कर सकते हो इसको बैकग्राउंड कलर को इस तरीके से। दोस्तों अपने हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड को आप यूज़ कर सकते हो। फिर दोस्तों आपको दिख जाएगी थीम, जो आपके कीबोर्ड की थीम है आप इसको चेंज करना चाहते हो। यहाँ पे डार्क कलर है, सॉलिड डार्क है, सॉलिड लाइट है, लाइट कलर है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं सॉलिड लाइट पर कर लेता हूँ, सॉलिड लाइट पर। और आपको यहाँ पर दोस्तों दिख जाएगा आपका जो फॉन्ट साइज़ है यहाँ पर कीबोर्ड का, दोस्तों आप इसको यहाँ से राइट साइड से इंक्रीज़ कर सकते हो और लेफ्ट साइड दोस्तों आप इसको डिक्रीज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो दोस्तों आपको बीच वाले पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको देखिए कस्टम सैम्बल है, आपको इस सैम्बल को ऐड करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ से उसको ऐड करके यूज़ कर सकते हो सैमसंग फ़ोन के कीबोर्ड में। दोस्तों वॉइस इनपुट सेटिंग आपको दिख जाएगी, आपके सैमसंग फ़ोन वॉइस इनपुट है, आपको गूगल वॉइस इनपुट को लगाना है तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो हो जाएगी। और दोस्तों आप नोन पे करोगे तो वॉइस सैमसंग फ़ोन की वॉइस इनपुट और गूगल वॉइस इनपुट दोनों ही ऑफ हो जाएगी। तो मैं सैमसंग पे ही क्लिक कर देता हूँ वापसी से। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो जो आपके कीबोर्ड सेटिंग है आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने कीबोर्ड को अपने सैमसंग के फ़ोन में। और दोस्तों अगर आप इस पे मोर टैपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो दोस्तों आपको यहाँ दिखेगा डबल टैप स्पेस बार टू ऐड फुल स्टॉप। सो आप यहाँ पे डबल टैप जो स्पेस बार पे करोगे दोस्तों आपको फुल स्टॉप लग जाएगा, तो आप इसको यहाँ से ऑन करके भी यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको दोबारा से कीबोर्ड पर क्लिक करके दोस्तों आपको आ जाना है नीचे, यहाँ रीस्टोर डिफॉल्ट कीबोर्ड सेटिंग है और यहाँ रीस्टोर कीबोर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। इससे दोस्तों क्या होगा, जो आपकी लैंग्वेज वगैरह है जो आपने ऐड वगैरह करती है वो सब हट जाएगी, आपका कीबोर्ड रीसेट हो जाएगा, जितने भी दोस्तों आपने सेटिंग को चेंज करा होगा तो वापस से डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको रीसेट कर देना, आपकी कीबोर्ड सेटिंग दोस्तों रीसेट हो जाएगी। देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपको दिख जाता है कीबोर्ड रीसेट हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों अपने कीबोर्ड सेटिंग को यूज़ कर सकते हो, थीम वगैरह लगा सकते हो दोस्तों, चेंज कर सकते हो, काफ़ी सारी सेटिंग दोस्तों मैंने बताई तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आपको कोई भी जानकारी चाहिए अपने कंप्यूटर पीसी या फ़ोन को लेकर आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। चलो दोस्तों मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।